हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुमित सर्स हर्षित एकेडमी। तो जिस तरह से मैंने आपको पहले भी समझाया था कि मैं इस चैनल में पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी वीडियोस मैं पूरा डालने की ट्राई करूंगा टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है। सबसे पहले आप मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज हम टॉपिक स्टडी करेंगे स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन। ये इस टॉपिक का दूसरा वीडियो है। इस टॉपिक का एक वीडियो लेक्चर नंबर 2 के हिसाब से, लेक्चर नंबर 2 पे आप सर्च करना, आपको मिलेगा लेक्चर नंबर 2 और लाइन लिखना तो आपको इससे पहले वाला वीडियो भी मिलेगा। इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन लिया है थोड़ा सा देखने में आपको डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा माइनस p इक्वल्स टू 0। मैंने देखा है जब भी बच्चे अल्फा देखते हैं ना और ये p देखते हैं या कुछ और देखते हैं तो उनको डर लगता है, वो सोचते हैं यार ये नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। आपको मेथोडिकल जाना है, मेथड स्टेप बाय स्टेप, फॉर्मूलास जो मैथ्स में दिए हैं उसको स्टेप बाय स्टेप आप करिए तो आपको इसका आंसर इजीली मिल जाएगा, ठीक है। ये वीडियो बनाने का मेरा बेसिक मेरा यही है, मकसद मेरा यही था कि थोड़े हार्ड सम भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमने इससे पहले वाले वीडियो में क्या किया था, इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो क्वेश्चन लिया था उसको सबसे पहले हमने किससे कंपेयर करवाया था, ये लाइन से, राइट। तो इसमें भी यही करना है, आपको इसको इससे कंपेयर करना है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन, या तो आप लिख सकते हैं अबव क्वेश्चन, राइट, विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। वो क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब आप देखो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू इसमें क्या आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्स का कोएफिशिएंट ए है, इसमें एक्स का कोएफिशिएंट आगे तो कुछ नहीं दिख रहा है, बट एक्स के साथ ये जो है ना पूरा, यानी कि ये वैल्यू पूरी क्या है, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मैं सिर्फ स्पेलिंग लिखता हूं, कई बार नहीं आता है बच्चों को, कोएफिशिएंट, और गुजराती में इसको बोलते हैं सहगुणक, राइट। क्योंकि मैं जीटीयू यानी गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, इसलिए मैं थोड़ा गुजराती भी आपको समझा रहा हूं। और आप ये चीज याद रखना कि मैथ्स जब आता है तो आपको इंग्लिश में ही करना है, राइट। इसलिए मैं सभी वीडियोस इंग्लिश में लिखता हूं, समझाता हूं हिंदी में पर लिखता हमेशा इंग्लिश में। तो ये हो गया कोएफिशिएंट। तो आप देखिए एक्स का कोएफिशिएंट इसमें ए है, इसमें कॉस अल्फा है, राइट। बी का कोएफिशिएंट, सॉरी वाई का कोएफिशिएंट बी है, और इसमें वाई का कोएफिशिएंट क्या है, साइन अल्फा, राइट। इसमें सी का कोएफिशिएंट, यानी सी क्या है, इसमें सी है और इसमें सी के बदले माइनस पी दिया हुआ है। ये हमारा प्रॉब्लम का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। आपको कोई भी हार्ड प्रॉब्लम दिया हो, इसके अलावा और भी कोई कुछ टिपिकल एकदम हार्ड प्रॉब्लम दिया हो, कुछ भी दिया हो, आपको फर्स्ट स्टेप तो करके आना ही है। फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है, इसके भी मार्क्स है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, तो फिर आप देखिए कि नेक्स्ट में आपको तीनों तीन फाइंड करने का ही बोला है। देखो क्या लिखा है इसमें क्वेश्चन में, फाइंड द स्लोप एंड इंटरसेप्ट्स, सेप्ट्स प्लूरल है ना,
दोनों इंटरसेप्ट आपको ढूंढना है, यानी 1, 2 एंड 3 फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो हम सबसे पहले स्लोप फाइंड करेंगे, क्वेश्चन में पहले स्लोप दिया है इसलिए आप स्लोप फाइंड करो, पहले नहीं करोगे तो भी चलेगा, आप 1, 2, 3 के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो भी चलेगा, आंसर रॉन्ग नहीं होगा। तो हम चलो ठीक है, हम ऐसा करते हैं 1, 2 और 3 सीक्वेंस में जाते हैं। तो पहला देखो एक्स इंटरसेप्ट क्या आएगा, माइनस सी अपॉन ए। अब माइनस के साइन वैसे के वैसे, सी के बदले क्या लिखेंगे हम, माइनस पी, राइट, सी के बदले माइनस पी, ए के बदले हम लिखेंगे कॉस अल्फा, माइनस माइनस प्लस होता है, सो पी अपॉन कॉस अल्फा, ऐसा भी आप लिखोगे आंसर तो भी चलेगा, कॉस को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा सेक, यानी पी सेक अल्फा। अब बोलोगे कि सर ऐसा क्यों, कॉस का क्यों सेक हो गया, ये भी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का ही आपको मेरे वीडियोस देखने पड़ेंगे, उसमें क्लियर मैंने सब समझाया है आपको, तो इसको आप मैं शॉर्ट में समझाता हूं कि आप ये चीज याद रखिए कि जो सेक होता है, सेक एक्स इज 1 अपॉन कॉस एक्स, यहां पे सेक एक्स कॉस एक्स, एक्स के बदले यहां पे अल्फा दिया है बस, तो अल्फा नीचे था तो अल्फा ऊपर, यानी सेक अल्फा हो गया। अगर थोड़ा चेंज और फॉर्मूला आपको दो तीन समझाता हूं इसमें, सेक हो तो ठीक है चलो, अगर कोसेक हो तो कोसेक एक्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स, राइट, फिर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है 10x, और भी आते हैं तो जैसे जैसे यूज होगा तो आपको समझा दूंगा। इसके बाद और भी 3 आते हैं फॉर्मूला, ठीक, वो हम बाद में देखेंगे, अगर यूज होगा तो लिखूंगा, नहीं तो आपको थोड़ा डिटेल में संबंध है तो मेरे ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस आप स्टडी करो, जो मैथ्स 1 में दिया हुआ है, मैथ्स 2 है ये, मैथ्स 1 में आप देखना ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का मैंने आपको समझाया है। वाई इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या है, माइनस सी अपॉन बी, तो यहां पे लिखता हूं माइनस सी अपॉन बी। अब देखो माइनस का साइन वैसा का वैसा, c के बदले मैं लिखूंगा माइनस पी, b के बदले क्या लिखूंगा साइन अल्फा, यानी ये हो जाएगा p साइन अल्फा। साइन अल्फा को ऊपर लिखना हो तो देखो 1 अपॉन साइन क्या बन गया कोसेक, तो यहां पे भी यही लिखेंगे, साइन को ऊपर लेके जाएंगे तो पी कोसेक अल्फा बनेगा, वाई इंटरसेप्ट भी ओवर। थर्ड फॉर्मूला स्लोप का है, तो स्लोप हम लोग फाइंड करेंगे, स्लोप एम इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी, तो माइनस का साइन वैसा का वैसा, ए के बदले लिखेंगे कॉस अल्फा, b के बदले साइन अल्फा। इसमें एक फॉर्मूला है जो मैं नहीं लिखा है, तो वो बनेगा अगर ये ऐसा होता cos x अपॉन साइन x होता तो वो बन जाता cot x। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको मैं लिखूंगा माइनस cot अल्फा, राइट, तो ये आपका सॉल्यूशन, ये है आंसर नंबर 1, ये है आंसर नंबर 2 और ये है आंसर नंबर 3, राइट, सो 3 आंसर्स आपके पॉसिबल है। अब देखो सॉल्व करने के बाद आपको लग रहा है कि बहुत क्वेश्चन हार्ड था, नहीं था ना, इजी तो है, इसको बस कंपेयर कर दिया, कंपेयर करने के बाद ए की वैल्यू निकाली, बी की निकाली, सी की निकाली, उसके बाद एक क्वेश्चन ये फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट कर दी और आंसर हमने निकाल दिया, राइट, ओके, थैंक यू।